की बात का बुरा लगा और हम भी चिल्ला दिए तुम पे, पर अब क्या करें, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान अपना परी बरस पड़ता है। आखिर हमरा भी तो गुबार कभी ना कभी कहीं ना कहीं निकलेगा ना, या नहीं? कब तक चुपचाप सहेंगे बेटा, हमरा घड़ा भी कभी ना कभी भरेगा, तो बस आज हो गया वही। बचपन से तुम देखती आ रही हो कि तुम्हारे पापा कैसा व्यवहार करते हैं हमरे साथ, फिर भी सालों से हम ही बेचती का घूट पिए जा रहे हैं, बताओ किसके लिए? किसके लिए इतनी जिल्लत भरी जिंदगी के बाद भी हम जी रहे हैं? हाँ, तुमको का फर्क पड़ता है, तुमको तो मरना है ना, तो ठीक है चलो हम भी मरते तुम्हारे साथ, कहे कि वैसे भी मेरे लिए तो जीने का कोई रीजन ही नहीं है। चलो चलो, हम तो वैसे भी अपना सब कुछ हार चुके हैं, ना घर है ना परिवार है ना किस्मत है, बस तुम्हारे सहारे जी रहे हैं। तुम्हारे मरने के बाद हम ही घर में दुनिया में रहकर क्या करेंगे हम? चलो चलो, हम भी तुम्हारे साथ मरते हैं, चलो ना। काहे काहे अब हमको तुम रोक रही हो, माँ की मौत से भी डर रही हो तो सोचो हम पर क्या बीत रही होगी। 9 महीने तुमको अपने कोख में पाले, तुम्हारी जिंदगी के लिए खुद से लड़े हैं और तुम इसे ही खत्म करने जा रही हो। देखो बेटा, मौत ना कोई परेशानी का हल नहीं होता, दिक्कतों का हल हिम्मत से मिलता है, मरने से नहीं। हम जानते हैं तुमको अपने पापा का प्यार चाहिए, लेकिन मरने से नहीं हिम्मत से मिलेगा। उनका दिल जीतना अब तुम्हारे हाथ में है, बस तुमको रास्ता चुनने की देर है बेटा, और तुम में ही काबिलियत है, तुम किसी का भी दिल जीत सकती हो। और तुम्हारी माँ तुमसे वादा करती है तुम्हारे इस सफर में अंत तक तुम्हारे साथ होगी, जीवन में कितनी भी मुसीबतें कठिनाइयां आए पर हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये एक पक्का वाला वादा है हमारा। हाँ।